हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे के रिलेटेड मुझे रोज कमेंट आ रहा है। वो है आप लोगों का क्वेश्चन बैंक, जो कि हाल ही में एमपी बोर्ड द्वारा रिलीज़ किया गया है। इससे रिलेटेड बच्चे इतने ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक शुरुआत से आप लोगों को समझाया जाए। आपके बेसिकली तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो यही है कि भैया इस क्वेश्चन बैंक में से कितना आता है, इसे पढ़कर हम कितने परसेंट ला सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप लोग बेसिकली इसका स्टार्टिंग से मतलब समझें कि आखिर ये क्वेश्चन बैंक होता क्या है, आप लोग इससे पढ़कर कितने नंबर ला सकते हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि क्या हम इससे पढ़ के 90% प्लस ला सकते हैं क्या, कि 100% इसी से आता है क्या, कि या फिर कंपलसरी होता है कि इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ना। और आखिर में आपको मेरा ओपिनियन बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ इसी क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो आप लोगों को सर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है गाइस, तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप एंड में इतने कैपेबल हो जाओगे कि अपना डिसीजन खुद ही निकाल पाओ। फिर इसके अलावा भी मैं आपको वीडियो अगले वाले वीडियोज़ में समझाऊंगा अच्छी तरीके से कि क्वेश्चन बैंक को आपको पढ़ना है या ना पढ़ना है, और इसमें से कितना परसेंट आता है। प्रूफ के साथ, कोई अच्छे लॉजिकल फैक्ट के साथ आप लोगों को डिस्प्ले करूंगा कि कितना परसेंटेज क्वेश्चन बैंक से पूछा जाता है। इस वाले वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बैंक होती क्या है। देखो गाइस, अगर आप किसी जेई नीट इस तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सीबीएसई से आए हो, तो आपको ज़रूर से पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड में भी इस तरह की एक बुक आती थी जिसमें सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं। क्वेश्चन बैंक का मतलब है आप लोगों के जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, उस क्वेश्चंस को एक बुक में अच्छे तरीके से सेट कर दिया जाता है और उस बुक को मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है या फिर पीडीएफ पड़ी होती है। अगर कोई जेई नीट की तैयारी कर रहा है तो वो बच्चा तो ऑब्वियसली जानता होगा कि एनटीए की साइट पे नीट के बहुत सारे क्वेश्चन डले होते हैं, जेई के बहुत सारे क्वेश्चन डले होते हैं, है ना। तो वो भी एक तरीके की क्वेश्चन बैंक ही है जो कि गवर्नमेंट रिलीज़ करती है। देखो गाइस, एमपी बोर्ड हो, ठीक है, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, वो अपने साइट पे क्वेश्चंस डाल के ही रखता है बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। तो इसको लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कोई बहुत स्पेशल चीज़ होगी। खास करके एमपी बोर्ड वाले बच्चों में मैंने बहुत ज़्यादा क्रेज़ देखा है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ होगी, इसे पढ़कर हम बहुत अच्छा कुछ कर लेंगे, तीर मार लेंगे बहुत बड़ा बड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं, ये क्वेश्चन बैंक के सेट है क्वेश्चंस का, बस, और कुछ भी नहीं है। बस डिफरेंस ये है, मार्केट में नहीं आता और बोर्ड बस इसको रिलीज़ करती है अपने साइट पे। वो भी एक अलग साइट है, आपने देखा होगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, एक विमर्श करके एक अलग से साइट है, वहाँ पे एमपी बोर्ड वाली जो क्वेश्चन बैंक है इसको रिलीज़ करता है, ठीक है। और हिंदी मीडियम में क्वेश्चन बैंक आती है। आप लोग मुझे वो ये भी बोल रहे थे कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने से पहले ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लो आप। तो क्वेश्चन बैंक का सीधा सा मतलब होता है एक बुक है जिसके अंदर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या आप इसे पढ़ के 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा इसका सीधा सीधा जवाब है नो। अगर कोई जेई या नीट की तैयारी कर रहा हो ना, तो वो जो सीबीएसई या फिर एनटीए की वेबसाइट पे जो क्वेश्चन बैंक्स डली होती है, इवन मैंने भी एमपी बोर्ड से ही पढ़ा है और 2 साल से बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, तो इतना तो एक्सपीरियंस है कि इतना तो कोई इससे स्कोर कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा सोचो, अगर 90% क्वेश्चन अगर ऐसी चीज़ से आ रहा है जो एमपी बोर्ड आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है, जैसे क्वेश्चन बैंक है, ये तो क्वेश्चन बैंक का आप लोगों को एमपी बोर्ड प्रोवाइड कर रही है ना, अगर इसमें से 90% पेपर आ जा रहा है तो ये तो एक तरीके का पेपर लीक हो गया कि एमपी बोर्ड ने तो पहले ही पेपर को लीक कर दिया था अपने साइट पे। क्योंकि अगर किसी चीज़ से 90% आ रहा है तो बहुत बड़ा एक वो रहता है गाइस, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है किसी चीज़ से अगर 90% आप लोगों का पेपर फंस रहा है तो। और एमपी बोर्ड की तरफ से ऐसी चीज़ तो होती नहीं कि किसी पेपर से आप लोगों को किसी मतलब क्वेश्चन बैंक से 90% तक का पूछ लिया जाए। तो ये चीज़ तो सरासर झूठ है कि इस पर पढ़ के आप 90% प्लस ला सकते हैं। दूसरी चीज़, क्या इससे 100% आता है? नहीं, ये भी पूरी तरह से झूठ है। ये क्वेश्चन बैंक से कभी 100% पेपर नहीं आता आपका। कितना परसेंट आता है ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बहुत ही क्लेवरली सारी चीज़ों को समझाऊंगा। बस आप इतना समझ लो कि 100% पेपर कभी इसमें से नहीं आ सकते, इवन 50% पेपर भी नहीं आता है इससे। दूसरा है आखिरी की पासिंग मार्क्स इससे ला सकते हैं क्या? कभी कभी ला सकते हो, हर बार मैं ये भी गारंटी नहीं दे सकता कि आप इससे पास भी हो सकते हो। कई बच्चे अटक भी सकते हैं, क्योंकि आप लोगों से कहा मैंने कि अगर कोई एमपी बोर्ड, जैसे अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें से अगर 90% आ जाता है तो चलो वो बात ठीक है, क्योंकि वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था। मैं कोई बोर्ड का अधिकारी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बोर्ड का मतलब टीचर हूँ जो आप लोगों को पेपर बता रहा हूँ। मैं तो एक जनरल टीचर हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें से क्वेश्चन आते हैं तो किस्मत की बात हो गई। बट अगर बोर्ड जो आप लोगों का पेपर बनाती है वो आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ दे रही है जिसमें से 90% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो तरह एक तरीके का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। आई होप आप समझ पाए होगे, मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप लोग समझ जाए तो बहुत अच्छी होती है सारी चीज़। आखिरी आता है कि क्या ये कंपलसरी होता है कि आप लोगों को क्या क्वेश्चन बैंक जो है इसे कंपलसरी होता है पढ़ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता।
एनटीए की जो नीट की क्वेश्चन वगैरह दिए रहते हैं कोई बच्चा उसको नहीं पढ़ता। आप अगर टॉपर्स के वो देखोगे ना, इंटरव्यू अगर देखोगे, तो आपने कभी अगर सुना होगा कि एनटीए ने जो क्वेश्चन रिलीज़ किए थे हमने वो पढ़े इसलिए हमारे इतने अच्छे नंबर है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो भी आते हैं क्वेश्चन वो आपकी प्रैक्टिस से आते हैं। मैं तो इवन कहता हूँ, मेरा ओपिनियन अगर आखिरी में आप लोगों को बताओ इसको पढ़ना चाहिए या नहीं, तो मैं तो सीधा सीधा ना बोलूँगा। इससे बेटर है कि आप लोग, मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस कीजिए, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके अलावा मैं स्ट्रेटजी आप लोगों को बताता रहूँगा कि आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, बट इस तरह की चीज़ों में आप ना पढ़ते हुए अपने फ्यूचर को सही जगह पर लगाइए और सही तरीके से पढ़ाई कीजिए, वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आप इसे क्वेश्चन बैंक पर अपना दिमाग बच्ची कीजिए। समझ रहे हैं ना गाइस, आप कोई कंपलसरी नहीं होता। इवन मैंने जब 12th क्लियर किया था तब भी क्वेश्चन बैंक आती थी, बट मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, फिर भी मैंने 87 बनाए थे खुद से पढ़ के, है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन बैंक को पढ़े, मैंने तो देखा भी नहीं था, इवन मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। मैंने जैसे जैसे पढ़ा था वो तो मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, बाकी आप इस तरह के कन्फ्यूजन में रहो बिल्कुल भी मत रहो, यही मैं कहना चाहूँगा। इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्वेश्चन बैंक में से कितना परसेंट आता है, कुछ आप लोगों को प्रूफ और एविडेंसेस के साथ, जिससे कि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।